शहर की महाराज पार्क सर्किल पर नाला अवरुद्ध होने से सड़क पर भरा गंदा पानी, आमजन परेशान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के मुख्य चौराहे में शामिल महाराज पार्क सर्किल पर नाला अवरुद्ध होने से पानी भराव की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते न केवल आमजन बल्कि आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। महाराज बाग सर्किल पर पानी भराव की उक्त समस्या को लेकर लोगों का आरोप है कि नाले का गंदा पानी सड़क के उस पार नहीं निकल पाता है। गंदगी के चलते नाला अवरुद्ध है और गंदा पानी मुख्य चौराहे पर भर रहा है। इसी के चलते जब वाटर सप्लाई होती है तो यह पूरा स्थान एक ताला सा नजर आता है, जिसमें से होकर राहगीरों को गुजरना पड़ता है और दुपहिया वाहन चालक चोटिल होते हैं। साथ में दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित होती है। महाराज बाग सर्किल के दुकानदारों ने बताया कि जब नाला अवरुद्ध होता है और पानी सड़क पर भर जाता है तो एक दो सफाई कर्मचारी आकर पानी को निकाल जाते हैं। इसके बाद समस्या जस की तस नजर आती है और जैसे ही नाले में पानी का फ्लू बढ़ता है फिर से गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि महाराज बाग सर्किल पर जो नाले का अंडर पास बना है वह काफ़ी सकरा है, जिसमें से होकर कम पानी ही निकल पाता है। ऐसे में नाले में जब पानी का फ्लू बढ़ता है तो पानी सड़क पर आ जाता है। इसको लेकर नगरपालिका के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। जल्द ही सड़क के दोनों तरफ बड़ा पाइप डालकर समस्या का समाधान किया जाएगा। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। नरकी हालत में मिले असहाय लावार एक्सपोजर को मिला अपना घर, समर्पित भाव से सेवा का प्रकल्प अपना घर, विष्णु महेरे। बाड़ी की प्रमुख खबर। विक्षिप्त असहाय लावारिस अनाथ पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा एक असहाय लावारिस नरकी हालत में मिले बुजुर्ग को अपना घर आश्रम बाड़ी में पहुंचाया। अपना घर सेवा समिति के संरक्षक विष्णु महेरे ने बताया कि सनाट्य गॉड फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा द्वारा सूचना दी गई कि एक बुजुर्ग कई दिनों से लावारिस असहाय हालत में बाड़ी के रेलवे स्टेशन पर है। तुरंत विष्णु महेरे, नीरज कौर, अपना घर आश्रम, एम्बुलेंस की रेस्क्यू टीम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां काफ़ी गंदगी में एक बुजुर्ग पड़े हुए मिले। हालत काफ़ी दयनीय थी, नरकीय जीवन जी रहे थे। जानकारी करने पर ठीक से अपना नाम पता नहीं बता पा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको अपना घर आश्रम बाड़ी में दाखिल किया गया है, जहां उनके बारे में पूर्ण जानकारी कर उनका इलाज एवं सेवा होगी। इस मौके पर अपना घर सेवा समिति के संरक्षक विष्णु महेरे, नीरज कौर, सेवा साथी अमन बघेल, नीतीश प्रजापति, राकेश कुमार मौजूद रहे। मेरा नाम विष्णु महेरे है और आज हमें प्रमोद शर्मा जी द्वारा एक सूचना मिली कि एक लावारिस असहाय व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं और बाड़ी रेलवे स्टेशन पर पड़े हुए हैं। तुरंत अपना घर की रेस्क्यू टीम के साथ हम लोग पहुँचे तो वाकई में वहाँ पर वो बुजुर्ग बहुत ही नरकीय जीवन जी रहे थे। चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई थी, हमें देख करके बड़ा दुख हुआ। तुरंत हमने एम्बुलेंस द्वारा अपना घर आश्रम बाड़ी में उनको शिफ्ट किया है, जहाँ पर उनका इलाज और दवाई हो सकेगी। इस मौके पर हमारे साथी नीरज गौड़ जी, नीतीश प्रजापति, राकेश जी आज मौजूद रहे और अपना घर का जैसे लक्ष्य है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति हमको दिखता है तो हम उसकी सेवा में तैयार रहते हैं। धन्यवाद। नकली दूध एवं दूध में मिलावट को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत धौलपुर ने जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के माध्यम से चिकित्सा मंत्री व खाद्य आपूर्ति मंत्री को दूध मिलावट पर सुधार हेतु ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रांत उपाध्यक्ष शिशुपाल यादव, क्षेत्र संगठन मंत्री गुजरात व राजस्थान भगवती प्रसाद शर्मा, जिला सह सचिव शुभम शर्मा व जिला कोषाध्यक्ष आशीष सिंघल सहित जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह राणा, जिला सचिव रामवीर सिंह सिकरवार, जिला संगठन मंत्री दीपक शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही धौलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दूध व मावा के वर्ष 2023 में लिए गए सैंपल व उसके परिणाम के लिए सूचना के अधिकार के तहत RTI कार्यकर्ता, जिला सचिव रामवीर सिंह सिकरवार, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा सूचना मांगी गई है। अवैध चंबल रेता से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, रेत माफिया फरार, धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर सदर थाना पुलिस एवं DST टीम ने पप्पू ढाबा नेशनल हाईवे के पास से संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध चंबल रेता से भरे हुए स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। मौके से बजरी माफिया फरार होने में सफल रहा। DSP तपेंद्र मीणा ने बताया कि अवैध चंबल रेता के खिलाफ कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में धौलपुर सदर थाना प्रभारी राम नरेश के साथ प्रयास सोन CI, योगेश तिवारी ASI, रामरूप, श्रीपाल, सुल्तान चालक कांस्टेबल शामिल रहे।
जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 11 मई को जयशंकर टाइगर क्लब में आयोजित होगी। भरतपुर की प्रमुख खबर। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में एवं राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में ऑफिशियल जिला ताइक्वांडो कैडेट एवं जूनियर चैंपियनशिप एवं चयन ट्रायल का आयोजन भरतपुर ताइक्वांडो संघ द्वारा किला स्थित जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब में 11 एवं 12 मई को किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया टाइगर क्लब में प्रारंभ हो गई है। खिलाड़ी एक फोटो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि एवं मार्कशीट की प्रतिलिपि के साथ टाइगर क्लब में एवं अधिक जानकारी के लिए 7597045555 नंबर पर संपर्क करें। भरतपुर ताइक्वांडो संघ सचिव और NIS कोच दीप्ति शर्मा ने बताया कि कैडेट एवं जूनियर आयु के बालक बालिकाओं का विभिन्न भार वर्ग में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ताइक्वांडो संघ अध्यक्ष पवन पारासर ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर पश्चात मई के अंतिम सप्ताह में होने वाली राजस्थान राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में भाग लेंगे। टाइगर क्लब के सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर ने कहा कि टाइगर क्लब विगत 40 वर्षों से मार्शल आर्ट की सेवाएं किला स्थित नेहरू पार्क के पास निरंतर दे रहा है एवं जो भी प्रतियोगिता यहां आयोजित होती है वह सब राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं। भरतपुर से VBN ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व मलेरिया दिवस पर निकाली रैली, कार्यशाला में दी मलेरिया से बचाव की जानकारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। विश्व मलेरिया दिवस पर ANM प्रशिक्षण केंद्र से मलेरिया और मच्छरों से बचाव संबंधी जागरूकता रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः ANM प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंची। रैली के पश्चात उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेत्रा मीणा की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को मलेरिया डेंगू के बारे में जानकारी एवं बचाव के उपाय के बारे में बताते हुए कहा कि सामान्य मलेरिया बुखार जानलेवा नहीं होता है, लेकिन उपचार में देरी या सही उपचार का ना मिल पाना मलेरिया से मृत्यु होने का कारण बन सकता है। मलेरिया से बचाव के लिए घरों के आसपास बने हुए जल स्रोत, गड्ढे, पशुओं की खली, परिंदों इत्यादि के प्रत्येक रविवार को सूखा दिवस पर साफ सफाई कर मच्छर के लार्वा को पैदा होने से रोका जा सकता है। कोई भी कबाड़ का सामान, टायर डिब्बे एवं अन्य सामग्री जिसमें पानी जमा हो सकता हो को साफ किया जाना चाहिए। कार्यशाला के दौरान प्रिंसिपल कल्पना सेंगर, ओम प्रकाश लोधी, चरणजीत सिंह सहित प्रशिक्षण केंद्र की छात्राएं मौजूद रहीं। बाड़ी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही, मचा हड़कंप। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन की कार्यवाही। यह कार्यवाही जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT एवं पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन पर की गई है। बाड़ी के बाजार में हो रहे अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन को बार बार मिल रही थी। इसको लेकर आज प्रशासन ने मुख्य बाजार के लागेट से प्रारंभ होकर बसेड़ी बस स्टैंड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें प्रशासन ने दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण एवं ठेल ढकेल लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की एवं सामान को भी जब्त किया। इसके साथ ही दुकानदार एवं ढकेल वालों के चालान भी काटे गए। अतिक्रमण के चलते बाजार में ऐसे निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन द्वारा पहले भी अतिक्रमण को लेकर दुकानदार एवं ढकेल वालों से समझाइश की गई, लेकिन वह मानते नहीं थे, जिसको लेकर आज प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। बाड़ी DSP नरेंद्र कुमार ने अतिक्रमण करने वालों से कहा कि बाजार में अतिक्रमण बिल्कुल ना करें, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी एवं अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भाव में थोड़ी रख रहा है तू अब तक पहुंच जाएगी।
हाँ।